नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने लगे हैं कि सर फाइनली हमें हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू मिल गया है या फिर अदर यूनिवर्सिटी भी मिल चुका है, तो फाइनली आगे हम अपना कैरियर, अपनी स्टडी वो किस तरीके से प्लान करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। किसी को फ्लैट नहीं मिला है, किसी को रूम नहीं मिला, किसी को हॉस्टल नहीं मिला, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि फर्दर यूनिवर्सिटी में कब से क्लास होनी है। ये तमाम बातें जो हैं, इन्हीं के साथ साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप अपने 24 घंटे आने वाले 3 सालों के लिए कैसे प्लान करोगे कि आप अपना स्वर्णिम भविष्य लिख सकते हो। समझ लो मेरी बात। देखो, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो है फ्रेंडशिप। आपको एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप करनी है, एक अच्छा फ्रेंड जोन बनाना है, एक अच्छा फ्रेंड साइकिल क्रिएट करना है। अब बात आती है कि सर दोस्ती तो बिना सोचे समझे हो जाता है, अचानक से उनसे मेरी एक वाइब मैच करने लगती है, उनसे मेरी अच्छी फीलिंग अटैच होने लगती है, तो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। आपको दोस्ती ऐसा ही होता है, वो अनकंडीशनल हो जाता है। लेकिन कई बार हम लोग जब समझ जाते हैं कि हाँ इनके साथ मेरा फेवरेबल कंडीशन नहीं मैच कर रहा, इट मींस हम इनके साथ अच्छे से नहीं मैच कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों में हम इनसे डिफरेंट हो रहे हैं, तो यू कैन चेंज योर रूम, यू कैन चेंज योर हॉस्टल, यू कैन चेंज योर लॉज, ठीक है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही दोस्ती यारी पूरे 3 साल चलनी है। और ध्यान देना, आपकी ये फ्रेंड जोन, ये फ्रेंड साइकिल पूरे एग्जाम में बहुत मदद करता है, क्योंकि अक्सर जब एग्जाम आता है तो उस टाइम पे बच्चे ये सोचते हैं, उनके दिमाग में आता है कि कैसे स्टडी करें, कैसे प्लान करें। उस समय अगर आप 24 घंटे में एग्जाम के दरमियान आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे ग्रुप स्टडी कर लेते हो अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आपके सेमेस्टर में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है अगर ऐसा करते हो तो। और जनरली जैसे अभी जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, अभी एग्जाम चल रहा है, तो ये बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं, कई सारे इनके डीएम मिलते हैं कि सर सर हमें बताइए कि बैक का कितना नंबर होता है, कितने कम नंबर पे हमारा बैक लग सकता है। ऐसे क्वेश्चंस क्यों राइज होते हैं, इसलिए रेज होते हैं ऐसे क्वेश्चन क्योंकि उन्होंने अच्छे से स्टडी नहीं करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो विश्वविद्यालय में आ गए हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपनी डिग्री मत बिगाड़ने दो, आप अपने रिजल्ट्स मत बिगड़ने दो। 1% आगे जाने के बाद, सपोज कि आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो या कहीं प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, तो ये मैटर करता है। बाकी जो स्किल्ड प्रोफेशन है उसमें अच्छे से आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको वहां पे लर्निंग करनी पड़ेगी जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है, और नहीं भी पढ़ाई जा रही है तो खुद से पढ़ना पड़ेगा। यहां पे आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेने वाले हो। ध्यान देना, कोई टीचर नहीं लेगा, कोई वीसी नहीं लेगा, कोई प्रोफेसर नहीं लेगा, कोई दोस्ती यारी, कोई आपके गार्जियन तक नहीं लेंगे, क्योंकि उनसे तो हम लोग का रिश्ता टूट चुका है, हम दूर हो चुके हैं उनसे। अब बस हम लोग उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे हम लोग सीख सकते हैं, उनसे हम लोग उनका हालचाल पूछ सकते हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग बड़े हो गए, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में आने के साथ साथ हमारा एक मैच्योरिटी फेज स्टार्ट हो जाता है, और ये हमारे जीवन का सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। सो प्लीज, आप लोग को यहां पे जाग जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अब आपको यहां से ये नहीं कि लाइफ को जैसे तैसे जीना है, प्लान वे में जीना है, अच्छे से जीना है, और ये प्लानिंग आपको खुद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड साइकिल, ठीक है। दूसरा, आपको हमेशा एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है, बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, खुद में। जैसे कि आप अपने रूम में स्टिकर्स ला के लगाओ, चार्ट पेपर लगाओ, उस पर अपनी प्लानिंग लिखो, नोट्स बनाओ। कहने का मतलब, ये सब चीजें कई बार ऐसा लगता है कि बकवास है, लेकिन कई बार मैं आपको बताऊं कि जब आप इन सब चीजों को करते हो तो आपका जो साइकोलॉजिकल थॉट, जो माइंड है, वो आपको बार बार ये चीज याद दिलाता है कि एक्चुअली वी आर हियर फॉर स्टडी। हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे काम के लिए आए हुए हैं, वो आपको याद दिलाता है दीवालों पे, इन सब चीज़ों से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हाल ही में अभी एक जगह विजिट किया था, एक स्टूडेंट के स्टडी रूम में, खतरनाक वाली प्लानिंग स्टडी रूम का, मैं बहुत इंस्पायर हुआ। बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन लंका से मैंने बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स लेकर आया, मीन्स बस स्टडी रूम को डेकोरेट करने के लिए लाया, वॉलपेपर, स्टिकर्स, चार्ट पेपर, कार्टिज पेपर, बहुत सारे कैलोग्राफी वाले पेन, मल्टी कलर्स पेन, बस इसलिए कि मैं भी अपना स्टडी रूम जो है वो सजाऊंगा। बहुत नेचुरल बातें बताता हूँ, देखो मैं हाई फाई बातें नहीं बताता, ठीक है, वो मोटिवेशनल हाई लेवल वाले वो सब किसी काम के नहीं होते यार। मोटिवेशन हमेशा खुद के अंदर से आता है, ठीक है, और आजकल तो सपने बेचे जाते हैं, ठीक है, वो बस आपके ड्रीम को बेचेंगे। हाँ, आपके सपने को हर कोई बेचता है, तो आपके पास ड्रीम को बेचेंगे और आप उनके, आप अपने ड्रीम को सुनते हो, और फाइनली जैसे ही मोटिवेशन वीडियो ऑफ, माइंड ब्लैंक, फिर 2 घंटे बाद वही चीज है,
अबे चल यार, अरे वो कर, खत्म हो जाता है सब। यही नहीं भूलना है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बेचूक के मारो या हमेशा याद रखो, आपको ये चीजें कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है कि आप यहां आए क्यों थे। मैं आपकी तरह बहुत ही कॉमन बॉय, आज भी बहुत कॉमन मेरा रहन सहन है, और मैं बहुत कॉमन बॉय की तरह यहां पर एंट्री लिया था, और लेकिन मैं एक सेमेस्टर में ही समझ गया कि ये सब कुछ मुझे ही बनाना पड़ेगा, मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझाएगा। और सच बताऊं तो मेरे पास मोबाइल बहुत लेट आया था, मोबाइल आते ही समझ लो कि मैं यूट्यूब पे भी आ गया था। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं यार कि आपको अपने से प्लानिंग करनी पड़ेगी। बाकी आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हो, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, इन सभी चीज़ों के लिए आप एक प्लान रेडी करो, मेरे से डिस्कस करो। इंस्टा आईडी है, मैं एक अलग पोर्टल भी क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे आपके लिए पेड पोर्टल होंगे, पूरे पूरे साल भर के लिए होगा, 250-300 रुपये आप दो पूरे साल तक, आप वहाँ पे एडवाइस लो, अपने डाउट्स कैरियर काउंसलिंग डेवलपमेंट को लेकर अपने डाउट्स पूछो, वहाँ पे बेशक पूछो, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के कॉपी कैसे राइटिंग करनी है, सैंपल पेपर कहाँ मिलेगा, एवरीथिंग यू कैन आस्क देयर। सो प्लीज आप लोग दिमाग में बैठा लो कि आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आ चुकी है, और आज से ये आप तय कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है, क्योंकि ये 3 साल बीतते समय नहीं लगेगा भाई। हम लोग का तो यू आज देख रहे हो वाल पेपर, ये वाल पेपर 102 कन्वोकेशन होने जा रहा है विश्वविद्यालय में, हम लोग को डिग्री मिलने जा रही है, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर ये 3 साल के मेहनत के लिए बहुत एक्साइटिंग हूँ कि हाँ हम लोगों ने चलो सर डिग्री मिलने जा रहे हैं। लेकिन भाई डिग्री तो मिला, नौकरी कहाँ है? हर कोई कहीं ना कहीं अपना एक गैप, अपना एक फ्रेम बना रहा था कि हाँ हमें यहाँ पे सेट होना है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे पीछे लोग छूट जाते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका पीजी तक क्लियर नहीं होता है, ध्यान देना, उनका पीजी एंट्रेंस नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने 3 साल लापरवाही करी, अवेयर नहीं थे अपने एम को लेके, खुद को लेके, अपने लाइफ को लेके। सो प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपने पॉइंट्स को ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो कि हाँ मुझे यहां पे ये करना है। देखो यहां पे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा जो यहां पे डिमेरिट है, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या, आप भूल जाते हो आप क्यों आए थे, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा हरियाली है, हरियाली इन द सेंस हर वैरायटी की हरियाली की बात कर रहा हूं, बस आप उसको लड़कियों से ना जोड़ें या फिर लड़कियां बस लड़कों से ना जोड़ें, हर तरीके का, क्योंकि सस्ता शहर है, 80 घाट है, बीटी है, बाकी अदर पार्क्स हैं, बहुत सारे अदर प्लेसेस हैं, आप सुबह से शाम चाहो तो 12 घंटों को 2 घंटे में खत्म कर सकते हो, आपके लिए 2 घंटे लगेंगे, पूरा सुबह शाम हो जाएगा, लगेगा इतना छोटा समय था। ये चीजें भूल जाते हो क्योंकि फ्रेंड जोन बनेगा, तुरंत इंजॉयमेंट शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इंजॉय मत करना, मेरे से ज्यादा कोई नहीं करता होगा, इवन हम लोग पूरा हमारा फ्रेंड साइकिल, हम लोगों ने बहुत हंसते हंसते पढ़ाई करी है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज को हमेशा याद रखा कि हम लोग यहां पर क्यों आए हैं। सेमेस्टर्स में आपका CGPA टारगेटेड होना चाहिए, 8 CGPA, नॉर्मली 8 CGPA हर कोई टारगेट कर लेगा, बाद में रोने का मौका मत दो भाई खुद को, 8 CGPA का टारगेट आज बना लो, बाकी टॉपर बनना है, मेडलिस्ट बनो भाई, यहां पे बहुत सारे लोग को मेडल मिलने वाला है, गोल्ड मेडल, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल मिलने वाला है इसमें बहुत सारे लोग को, आप अपना एम बनाओ कि हाँ गोल्ड मेडल लेना है, कितना प्राउड मोमेंट होगा यार कि हमने BHU से गोल्ड मेडल लेके निकला यहां से। आपको ऐसी लाइफ बनानी है। मैं ऐसे 1000 लोग को जानता हूं अपने इस 4 साल के करियर में जिन्होंने अपनी लाइफ को यूं यहां से यहां लेके गए, अपने दम पे ले गए। कई सारे CAPF में फर्स्ट रैंक जानता हूं, अभी हाल ही में UPSC के टॉपर को जानता हूं, और ये तो नॉर्मली CTET में निकाले हुए बच्चों को जानता हूं, जनरली JRF नेट में निकाले हुए बच्चों को जानता हूं, PG एंट्रेंस क्रैक करने वालों को जानता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ को भी जानता हूं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जनरली रास्ते में कहीं देखते हैं तो ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे करके भाग, ऐसी नौबत क्यों कि आपको अपना सर झुका के जाना पड़े, आपको ऐसे छुप के निकलना पड़े। आपने जिस डी में BHU का स्टेटस अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था, उस ड्रीम को अब पूरा करने का समय आ गया है। मैं सच में ऑनेस्टली बताऊं मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आने वाला 2026, 27, 28 इस दरमियान लोग BHU को टॉप पे ले जाए यार, प्रशासन क्या कर रही है, भाड़ में जाए,
आपके हाथ में आ चुका है, अब आपके हाथ में वो मौका मिला है, आप फाड़ दो ना, आपने बीएससी के रिजल्ट निकालो, आप बाकी सीएपीएफ में निकालो, सीटेट टेट में निकालो, प्रोफेसर कहीं भी आप अपनी पोजीशन को हाई लेवल पे रखो, और जब आपकी डिग्री वहां पे, तब आपके ऑफिशियल बीएचयू के ऑफिशियल ट्विटर से आपका ट्वीट आए, फाइनली ही सिलेक्टेड। ये वो शानदार दिन होगा, क्योंकि भाई एनआरएफ में रैंकिंग घट रही है, एनआरएफ में रैंकिंग घट रही है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विश्वविद्यालय लोग नहीं दे सकते। हमारे हाथ में भी था, हमारे हाथ में सिलेबस था, हमारे हाथ में, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मिला ना। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय बाकी देश के बहुत विश्वविद्यालय बहुत बड़ी पढ़ाई हो रही है, हर जगह विश्वविद्यालय में आने के बाद ये एक नेचुरल थॉट। पता है मुझे बच्चे क्या मिलते हैं, बोलते हैं हम सर क्लासेस नहीं चल रही है। भाई ये कॉमन चीजें हैं विश्वविद्यालय के, आप बस बीएचयू धरना डाल के गूगल पे देख लो, इतने धरने हर महीने, कई बार तो एक दिन में चार चार जगह धरने होते हैं। कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के पीछे आप अपना भविष्य लिख सकते हो। मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो ऐसे वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसे नेचुरल वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद के लिए जो करोगे करोगे भाई, कोई ऐसा नहीं है जो कमा के आपको देने वाला है। ये बात एकदम लिख के रख लो, ना आपका पड़ोसी, ना आपका रिश्तेदार, इवन आपके दोस्त, मिलने वाला है हर जगह धोखा। ये बात लिख के ले लो मेरे से, बहुत अच्छी। हाँ, आप अच्छे दोस्त बन सकते हो किसी के, आप ऐसा बनो कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सको, ये उम्मीद क्यों करोगे कि आपके लिए कोई करे। सो ऐसे में मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका ड्रीम अगर मिल गया तो अपने ड्रीम को बस सपना बना के मत छोड़ो, प्लीज हकीकत कर दो, हकीकत में बदल दो उसको, तब मजेदार दिन आएगा और फिर हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, और आप लोग को भी मौका मिलेगा, आप भी 105वें कन्वोकेशन का हिस्सा बनोगे, और उसमें प्राउड से आना, वो साफा लटका के और प्राउड से आना, फाइनली हम इस कंपनी में हैं, हम इस कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमने ये अपना खुद का सेटअप रेडी किया, हम ये अपना एक बिजनेस चला रहे हैं, हमें यूपीएससी क्रैक कर लिया, हम पीसीएस में हैं, हम इस स्टेट में जॉब कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज में हैं, हम प्रोफेसर बन चुके हैं, हम टीचर बन चुके हैं, तो वो दिन शानदार होगा। एक्चुअली उस दिन आपका ड्रीम पूरा होगा। ये तो पहला स्टेप है, ये तो बस आपके सपने के पाने का एक मात्र हिस्सा था, बस एक पार्ट था, एक सहारा था, एक सपोर्ट था जो आपको मिल गया, लेकिन आगे का भविष्य आपको ही लिखना है, बात आप लिख के रख लो। बाकी वीडियो में बात होती रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूं समराइज कर दूं, मैं ओवरऑल समराइज बहुत जरूरी है। समराइज में मैं आपको दो तीन बात आपके दिमाग में बैठाना चाहूंगा। सबसे पहला जो है वो है आपका एम।